Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I'm Shivangi Sharma, and today we're gonna go with last chapter of our second book, or eighth chapter of the syllabus of Class 12th History. And the name of the chapter is Peasants, Zamindars, and the State. Okay? So here we're gonna discuss about agrarian society and the Mughal Empire. Okay? So what is agrarian society? Matlab wo society which is like mostly dependent on agriculture. Okay, agrarian society is like society that is dependent on agriculture, or agriculture is present in that particular society. Okay, and the Mughal Empire. So Mughal Empire ke bare mein to I'm already familiar hai. Okay, so this chapter mein the time period that we're gonna study about is 16th to 17th century, yani ki 1500 to 1600 CE, right? Okay? So 16th और 17th centuries के टाइम पे अराउंड वर्ल्ड की 85% इंडिया की जो 85% पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहा करती थी. ठीक है. सो विलेजेस में क्या, विलेजेस में वो कमाने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया करते थे, और जो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हो जाता था वो उन्हें बेचा करते थे सरप्लस, जैसा हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर्स में. सो टू सम अप, इस चैप्टर में हम रूरल सोसाइटी का रिलेशन पढ़ने वाले हैं विद एग्रीकल्चर. ठीक है. सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस. ठीक है. सो देखो, एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला, जब भी इफ आई से यू एग्रीकल्चर, तो आपके दिमाग में क्या क्या यूनिट्स आएंगी. पहला तो एक फार्मर होगा, राइट? कि हाँ, कौन करा एग्रीकल्चर? अ फार्मर. सेकंड विल बी, आपके दिमाग में विलेज आएगा कि हाँ एग्रीकल्चरिंग का है, वो विलेजेस में ही होगी. एंड देन विल कम टूवर्ड लैंड एंड अदर स्टफ लाइक इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज, राइट? सो द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज फार्मर, पीजेंट्स. क्योंकि पीजेंट्स ही नहीं होंगे तो कौन परफॉर्म करेगा? ठीक है. डैट इज़ वाई पीजेंट्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो देखो, पीजेंट्स सीजनल टास्क करते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है. ठीक है. सो सीजन्स के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं. ठीक है. जैसे देखा होगा आप लोगों ने, आई डोंट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ, कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जब पर्टिकुलर क्रॉप जब उगाई जाती है तो उससे पहले सॉइल की टिलिंग की जाती है. ठीक है. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकालेंगे. ठीक है. जैसे मान लो ये पर्टिकुलर हमारे पास टाइम पीरियड है, और इस टाइम के पीरियड के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक क्रॉप उगानी है. ठीक है. सो इसमें पहले जब पर्टिकुलर टाइम है उसमें आप क्या करेंगे, आप करेंगे टिलिंग ऑफ द सॉइल. आप सॉइल को प्रिपेयर तो करेंगे ना पहले. ठीक है. उसके बाद आप बीज बोओगे. ठीक है. फिर बीज बोने के बाद आप उसमें इरिगेशन वगैरह तो कंटिन्यूसली करते रहोगे, बट कितना टाइम लगेगा उस क्रॉप को, इतना ना कितना टाइम लगेगा कि वो बड़ी हो जाए, अच्छे से उग जाए, और उसे इस पर्टिकुलर टाइम में आप क्या करोगे, हार्वेस्ट करोगे. ठीक है. सो ये सीज़न के अकॉर्डिंग होगा, ये इस पर्टिकुलर सीज़न, ये पर्टिकुलर सीज़न, ये पर्टिकुलर सीज़न, और ये पर्टिकुलर सीज़न, राइट? सो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसे एक जो मिस्टर पीजेंट होते हैं, ठीक है. सो ये हैं मिस्टर पीजेंट. सो मिस्टर पीजेंट ने डिसाइड किया है कि मिस्टर पीजेंट उगाएंगे मक्का. ठीक है. सो मिस्टर पीजेंट क्या करेंगे, सबसे पहले वो अपना टाइम लगा के पहले अपने सॉइल को तैयार करेंगे, फिर उसमें बीज बोएंगे, फिर जब उनकी क्रॉप पक जाएगी तब वो क्या करेंगे, तब वो उसे काट देंगे या फिर उसे हार्वेस्ट करेंगे, राइट? सो वैसे ही उसके बाद उन्हें क्या चाहिए होगा, मिस्टर हार्वेस्टर को, मिस्टर पीजेंट को उसके बाद चाहिए होंगे लेबर, ताकि वो अपने प्रोडक्शन में, मतलब ताकि उनको जो भी प्रोड्यूस करना है वो जल्दी हो सके. ठीक है. सो मिस्टर पीजेंट अपने, मिस्टर पीजेंट के घर पे जो भी लोग हैं, ठीक है, सपोज मिस्टर पीजेंट के घर पे है मिसेस पीजेंट और बेबी और द सन पीजेंट. ठीक है. सो ये सारे मिलके जो है अपनी सॉइल पे काम करेंगे, और जब चीज़ आ जाएगी तब उनका प्रोडक्शन हो जाएगा, राइट? सो रूरल इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो रूरल इंडिया में सिर्फ पीजेंट और प्रोडक्शन ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सेवरल चीज़ें हैं. क्योंकि देखो रूरल एरिया में ड्राई लैंड भी होगी, ठीक है, हिली रीजन भी होगा, फॉरेस्ट रीजन भी होगा, कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं की हो. ठीक है. बट ऐसा भी हो सकता है कि वो जगह काफ़ी फर्टाइल हो सो, और उसके बाद फॉरेस्ट भी है. ठीक है. सो फॉरेस्ट जो है एक मतलब टेरिटरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि नहीं होता है, होता है, राइट? सो हम ये नहीं बोल सकते कि एग्रीकल्चर के बारे में जब भी हम बात करें तो
सॉरी रूरल इंडिया के बारे में जब भी हम बात करें तो उसमें सिर्फ वही आएंगे, ठीक है? ऐसा कंपलसरी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? सो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लुकिंग फॉर सोर्सेस। सो हमने इतनी मतलब हम अपने हिस्ट्री के लगभग एंड एंड पड़ाव में चल रहे हैं, और हमने पूरा ऐसा पढ़ा कि जब भी हमें हिस्ट्री की कोई चीज़ हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास सोर्सेज कहाँ से आते हैं, राइट? सो सोर्सेज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो 16th और अर्ली 17th सेंचुरी की जो एग्रेरियन हिस्ट्री है कंट्री की, उसके जो मेजर रिसोर्सेज हमारे पास है वो है कुछ क्रॉनिकल्स और डॉक्यूमेंट्स। आप बोलोगे ये क्रॉनिकल और डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए, क्योंकि इतना तो हम लोग अब इतना पता चल गया है कि ये जो चीज़ें हैं ये कोई मतलब नॉर्मल पीपल नहीं लिखवाते थे, राइट? जो बड़े बड़े राजा वगैरह है वही लिखवाया करते थे ये सारी चीज़ें। तो ये भी मुगल कोर्ट में, जो मुगल एम्पायर उस टाइम पे चल रहा था, तो मुगल कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं, ठीक है? ऐसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्रॉनिकल है, डैट इज एन ए अकबरी। क्या? एन ई अकबरी, ठीक है? सो यहाँ पर देखो, अकबर के कोर्ट में एक हिस्टोरियन थे विच वॉज अब्दुल अल फजल, उन्होंने मतलब ये चीज़ लिखी थी, ठीक है? सो देखो इसका जो पर्पज़ है एन, ठीक है? एन का जब भी हम एन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है अकबर का एम्पायर, ठीक है? अकबर जी के एम्पायर को ये जो है वो शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? सो अब देखो अकबर जी के एम्पायर में, और ये जो थे ये जो शाही लिखने वाले थे, ठीक है, सब इन्हें ये नहीं पता था, इन्हें जो चीज़ें पता थी वो रूलिंग क्लासेस के बारे में ही पता थी, जो स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लासेस है उनकी हार्मनी के बारे में उन्हें पता था, राइट? जो नॉर्मल पीपल है उनकी लाइफ के बारे में उन लोगों को नहीं पता था, ठीक है? सो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई है वो टॉप व्यू है, ठीक है? अंदर का हमें नहीं पता, ठीक है? जैसे अगर आपको ऐसा बोला जाएगा कि अपनी क्लास में अगर आप देखो कि स्टडीज़ के क्या हालात है, अब आप हर एक बच्चे के पास नहीं जाओगे, राइट? आप ऊपर ऊपर से देखोगे कि हाँ टोटल परसेंटेज क्लास का ये आ रहा है तो अच्छी है या बुरी है, राइट? वैसे ये भी एक टॉप टॉप व्यू था, तो पीजेंट्स के अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमें इसके थ्रू नहीं पता चली थी, ठीक है? सो उसके अलावा अगर हम देखें तो मुगल कैपिटल के अंदर हमें काफ़ी सारे और ऐसे चीज़ें भी मिल रही है, जैसे देखो गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान में 17 और 18 सेंचुरी में काफ़ी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनने लग गए थे। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रेवेन्यू क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है, रेवेन्यू रेवेन्यू इज जो भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, पीजेंट से उनके लैंड के ऊपर। सो रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है, उस टाइम पे कहाँ कहाँ पे, पर्टिकुलरली गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान में, ठीक है, 17 और 18 सेंचुरी में। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने भी रिकॉर्ड्स बनाना शुरू करा, उन्होंने अकाउंट्स बनाने शुरू करे, उन्होंने चीज़ों को लिखना शुरू करा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें और आदि पता चली। तो जब चीज़ें लिखी जा रही लगी कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह से इतना हमने लैंड रेवेन्यू लिया, इस पर्टिकुलर जगह से ये, तो उसको अच्छे से एनालाइज करके हमें एक एक सिस्टम पता चल गया था कि किस तरह से जो है वो मतलब लोग रहते हैं, कितना प्रोडक्शन होता है और कितने किस तरीके से टैक्स लिया जाता है, ठीक है? सो पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स, देखो एक टर्म है विच जो कि इंडो पर्शियन लोग यूज़ किया करते थे फॉर द मुगल पीरियड, ठीक है, जिसको जिसमें वो पीजेंट्स को डिनोट करने के लिए बोलते थे रेयात या फिर मुजारियन, ठीक है, किनको? पीजेंट्स को, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे मिस्टर पीजेंट है, मिस्टर पीजेंट्स के काफ़ी सारे हमें निकनेम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो पहला जो है वो है रेयात, ठीक है, उसके बाद है मुजारियन, फिर किसान और असामी, ठीक है, ये चार मिस्टर पीजेंट को जो है वो नाम दे दिए गए थे, ठीक है। सो ये जो आगे मिस्टर पीजेंट्स हैं, मिस्टर पीजेंट, सो यहाँ पे हमने एक मिस्टर पीजेंट के बारे में बात की थी, बट अगर हम विलेज के पर्सपेक्टिव में देखें, रूरल इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, तो मिस्टर पीजेंट नहीं है, मिस्टर पीजेंट्स है, बहुत सारे मिस्टर पीजेंट्स है। सो मिस्टर पीजेंट्स को दो क्लासेस में बोल सकते हैं या दो काइंड्स में कैटेगराइज किया गया था। फर्स्ट वॉज खुद काश्ता, एक मिनट, पहले थे खुद काश्ता,
और दूसरे थे पाही काष्टा, पाही काष्टा, ठीक है। सो जो खुद काष्टा थे, खुद काष्टा मिस्टर पीजेंट्स जो खुद काष्टा हुआ करते थे, वो जो है उस पर्टिकुलर विलेज के, हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर विलेज उसको बिलोंग करते थे, उनके रेजिडेंट थे, ठीक है। सो उनके रेजिडेंट थे क्या मतलब, उनके पास अपनी लैंड थी, ठीक है, उनके पास क्या थी, अपनी लैंड थी, दे हैव देयर ओन लैंड एंड दे वर द रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। बट जो राही खाश्ता थे, राही खाश्ता एक विलेज को नहीं बिलोंग करते थे, वो नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स होते थे, वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाके जो है वो कल्टिवेट किया करते थे, ठीक है। देवर नॉन रेजिडेंट्स और साथ साथ में उनके पास अपनी लैंड नहीं हुआ करती थी, वो दूसरों के लैंड में एज लैंड लेबरर काम किया करते थे। क्या क्या काम किया करते थे, लैंड लेबरर बन के वो काम किया करते थे, ठीक है। सो जो लोग पाही काश्ता को बिलोंग करते थे, यानी कि सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते थे, वो काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि अपनी चॉइस से पाही काश्ता बने थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम पर्टिकुलर विलेज में हमेशा काम करते रहेंगे तो कभी ना कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें वो लैंड छोड़ के जाना पड़े। जैसे मान लो कोई भी नेचुरल कलामिटी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, या इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ जाती है, फेमाइन आ जाता है, सो ऐसी जगह पे उन्हें दूसरी जगहों पर ट्रैवल करना पड़ेगा। इसीलिए काफ़ी लोग, इसलिए उन्होंने वो खुद पाही काश्ता बने थे, ठीक है, अपनी चॉइस से, ठीक है। थोड़ा दिमाग उन्होंने लगाया और उन्होंने बोला कि हाँ हमें नहीं, ठीक है। सो अगर हम एक एवरेज पीजेंट की बात करें, कि मिस्टर पीजेंट्स, इतने सारे मिस्टर पीजेंट्स में अगर हम कंपेयर करें, तो जो एक एवरेज मिस्टर पीजेंट्स है नॉर्थ इंडिया के, सो उनको अगर हम बोले उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो ये कि पहला उनके पास एक पेयर ऑफ बुलक्स होंगे, ठीक है, या फिर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो प्लो उनके पास होंगे, या फिर उससे भी कम, ठीक है। सो गुजरात जैसी जगहों पे जिन मिस्टर पीजेंट्स के पास 6 एकड़ तक की लैंड हुआ करती थी, उनको मतलब उनको ठीक है अच्छा बोला जाता था, कि ठीक है एवरेज एवरेज है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। और बंगाल जैसी जगहों पे हम देखें तो जिनके पास 5 एकर्स की ज़मीन है, उनको भी एवरेज में एक अपर लिमिट बता दिया जाता था, कि ठीक है ये एवरेज एवरेज है, ठीक है। फिर और जिनके पास 10 एकड़ तक की लैंड है, वो तो बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा अमीर उनको कंसिडर किया जाता था, ठीक है। पीजेंट्स के जो उस टाइम पे भी पीजेंट्स और लैंड्स, जैसे हम आज अपनी प्रॉपर्टी को बेचते खरीदते हैं ना, वैसे पीजेंट्स उस टाइम पे भी लैंड को बेचते थे और खरीदा करते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। सो 19th century में अगर हम इन पीजेंट्स के डिस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस करें, जो कि दिल्ली आगरा रीजन में था, सो वो ये बोला जाता था कि जो कल्टीवेटिंग पीजेंट्स थे, यानी कि जो किसान थे, वो अपने लैंड पे ही जो है वो काम किया करते थे, उनके पास लिमिटेड फील्ड हुआ करती थी, ठीक है, वो भी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो क्या करते थे, वो बॉर्डर्स बना दिया करते थे ईंटों की या किसी चीज़ के, ताकि वो ऐसा कर सके कि हाँ ये विलेज, ये जो लैंड है वो मेरी है, ये फील्ड है वो मेरी है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इरीगेशन एंड टेक्नोलॉजी, सब टॉपिक है ये, ठीक है, टॉपिक क्लियर। सो देखो, अब अबंडेंस ऑफ लैंड, जो भी लेबर थे और पीजेंट्स की जो मोबिलिटी थी, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। डैट वॉज कि देखो, जो प्राइमरी पर्पज़ था एग्रीकल्चर का, वो यही था कि लोग जो है वो अपना पेट भर सके, राइट। क्यों करते हैं हम एग्रीकल्चर, ताकि क्रॉप आए और हम खा सकें, हम अपना पेट भर सके। सो जो बेसिक स्टेपल्स थी, वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी, जैसे कि राइस, वीट और मिलेट्स, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कल्टिवेटेड क्रॉप्स थी। जो एरिया जहाँ पे 40 इंचेस तक की बारिश, 40 इंचेस या उससे ज़्यादा तक की बारिश हो जाती थी, उनको राइस प्रोड्यूसिंग जोन्स बना दिया जाता था, वहाँ पे राइस प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे वीट और मिलेट्स पे बना दिए उगाती मतलब उगाई जाती थी, ठीक है। सो मॉनसून पहले से ही इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन बन के रही है, आज भी है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर करना है तो मॉनसून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट फिर भी ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जिनको मॉनसून से हटके कुछ एडिशनल वाटर चाहिए होता है, ठीक है। सो ऐसे सिस्टम में हम क्या करते हैं, ऐसे सिस्टम में हम इरीगेशन करते हैं, राइट। हम इरीगेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बना देते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, जिससे हम उन क्रॉप्स को सफिशेंट अमाउंट तक वाटर दे पाए, ठीक है। सो देखो, काफ़ी जगहों पर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, उनको स्टेट भी सपोर्ट किया करती थी। स्टेट मतलब जो एम्परर्स थे, जो रूलर्स थे, वो भी सपोर्ट किया करते थे, ताकि इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स है वो इजीली बन जाए, ठीक है।
जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में जो स्टेट है उन्होंने नए कैनाल्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा, ठीक है। जैसे जो जो शाहनहर थे उन्होंने पंजाब में, और शाहजहाँ मतलब शाहजहाँ के रिंग के टाइम पे शाहनहर ने पंजाब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, ठीक है। दो, जो एग्रीकल्चर है वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। पीजेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे जिसमें केटल एनर्जी ज़्यादा यूज़ की जाती थी, ठीक है। जैसे कि जो वो होता है ना हल, जो हल होता है लकड़ी वाला हल, उसमें क्या होता है, उसमें आगे दो बैल होते हैं। बैल में उस लकड़ी के हल को ऐसा फंसा दिया जाता है, ऐसे हैंग मतलब उसको जोड़ दिया जाता है कि जो लोहे के जो वो होते हैं बोल सकते हैं जो आयरन टिप्स होते हैं वो ज़मीन को ऐसे ज़मीन में टच होते हैं, ठीक है। और जब वो बैल जो केटल्स आगे चढ़ेंगे तो वो जो नेल्स हैं, वो जो आयरन के टिप्स हैं, वो लैंड को ऐसे मतलब टिलिंग करते हुए चलेगी, राइट। हम लोगों को पता है कैसे होते हैं। उस टाइम पे क्या एनिमल्स का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। फिर होइंग और वीडिंग के लिए भी ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है वुडन हैंडल्स यूज़ किए जाने लग गए थे, और एनिमल आयरन के ब्लेड्स यूज़ करते थे, ठीक है। एन अबेंडेंस ऑफ क्रॉप, देखो एग्रीकल्चर में हम जब भी हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा तो हमने सीजनल साइकिल पढ़ा, ठीक है। जब हम सीजनल साइकिल पढ़ते हैं तो हम दो बेसिक क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, राबी और खारिफ, राइट। खारिफ क्या होता है, खारिफ में हम ऑटम के टाइम का खारिफ होता है, और राबी जो होती है वो स्प्रिंग के टाइम की होती है, राइट। और इसी को मतलब इतना हम बोल सकते हैं कि ऐसा एरिड हुआ करता था और इतना हॉस्पिटेबल हुआ करता था कि मिनिमम एक साल में दो क्रॉप्स तो हम लोग प्रोड्यूस कर ही लेते थे काफ़ी अच्छे से। और जिन जगहों पे इरिगेशन काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, अच्छी रेनफॉल हुआ करती थी, वहाँ पे तो कभी कभी तीन क्रॉप्स भी उगा दी जाती थी, ठीक है। जैसे आयन में यानी कि आयन अकबरी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे उसमें ऐसा बताया गया है कि मुगल प्रोविंसेस में 39 वेराइटीज़ की क्रॉप हमें देखने को मिलती है। दिल्ली में 43 मतलब दो सीज़न के अंडर अंडर 43 तरह की क्रॉप्स उगा दी जाती है, और बंगाल में 50 वेराइटी तो सिर्फ राइस राइस की है, मतलब चावल की 50 वेराइटी डिफरेंट डिफरेंट उगाई जाती है, ठीक है। हावेवर जो फोकस है कल्टीवेशन का वो स्टेपल्स पे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सब्सिस्टेंस के बारे में ही होता है। जो कुछ ऐसी टर्म है जैसे कि जिंसी कमील, मतलब कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिनको परफेक्ट क्रॉप्स बोला गया है। क्यों परफेक्ट क्रॉप्स, उनको इसलिए बोला गया है क्योंकि उनसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक है। जैसे कॉटन और शुगर केन हो गया, कॉटन और शुगर केन को जिंसी कमील के अकॉर्डिंग एक्सेलेंस दी गई थी। बिकॉज देखो जो कॉटन है वो सेंट्रल एशिया में ही उगाया जाता है और डेक्कन प्लेटियो में ही उगाया जाता है, ठीक है। जबकि बंगाल जो है वो शुगर के लिए फेमस है, ठीक है। जब ये जो है ये क्रैश कैश क्रॉप्स हुआ करती थी, जैसे कि ऑयल सीड हो गए। ऑयल सीड का मतलब होता है जिससे भी तेल आता है, जैसे सरसों का तेल आता है, तो सरसों का तेल कैसे आता है, सरसों से आता है और लेंटल्स, ठीक है। इनको बेचते भी थे ये लोग, फिर जो रेवेन्यू भी आता था वो भी हाई आता था, ठीक है। 17th सेंचुरी में नई क्रॉप्स हमें देखने को मिली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, जो कि इंडिया आई कहाँ से, थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया से आई पर इंडिया, मतलब इंडिया की अपनी नहीं थी वो, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की। जैसे मेज, जो मक्का हम खाते हैं ना भून भून के, जो आप मक्के खा रहे होंगे अभी, ये इंडिया का अपना क्रॉप नहीं है, ये अफ्रीका और स्पेन से आया था, कब, 17th सेंचुरी के टाइम पे। और भी काफ़ी सारी वेजिटेबल है जैसे टमाटर आलू मिर्ची, ये सब इंडिया का नहीं है, ये सारे बाहर से आया था, ठीक है। उसके बाद पाइनएप्पल और पपाया जैसे फ्रूट्स, ये भी बाहर से ही आए थे, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द विलेज कम्युनिटी। देखो जो अकाउंट्स थे ऊपर जो भी हमने पढ़ा उससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एग्रीकल्चर में इनिशिएटिव पीजेंट्री लेता है और इनका इंटेंसिव पार्टिसिपेशन भी होता है, राइट। एग्रीकल्चर एक्सपेंशंस में, अब देखो जब सोशल ग्रुप इन एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में इन्वॉल्व होने लग गए तो उन काफ़ी सारे रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, डेट वी गोना डिस्कस इन दिस टॉपिक। जैसे हमने देखा कि जो पीजेंट्स है, कोई ऐसे जिन्होंने अपने इंडिविजुअल ओनरशिप के ऊपर लैंड लेके रखी थी, और कुछ ऐसे थे कि जो दूसरों के पास जाके काम किया करते थे, ठीक है। देखो यहाँ पर ना तीन कंस्टिट्यूंट देखने को मिलते हैं कमेटी में, ठीक है। एक तो कल्टिवेटर्स, पंचायत और द विलेज हेडमैन, जिनको मुकद्दम या मंडल भी बोला जाता था, ठीक है। कौन कौन, कल्टिवेटर्स, पंचायत और द हेडमैन, ठीक है। वो भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे अभी। कास्ट इन द रूरल मिलियू, देखो जब कास्ट
मतलब कास्ट के बेसिस पे और कास्ट के डिस्ट्रिक्शन पे बेसिस पे जो विलेजेस है वो हिटरोजोनियस ग्रुप थे, ठीक है। सो इसका मतलब है विलेजेस में एक मतलब सेम लेवल में नहीं काम करता था, आगे पीछे लेवल था, मतलब कुछ लोग हाई कास्ट के थे, कुछ लो कास्ट के थे और कुछ मतलब कम 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 ऐसे, ठीक है। अमंग उनमें से ऐसे थे कुछ जो कि लैंड को टिल करते थे, मतलब लैंड को तैयार करते थे, ठीक है, लैंड की खुदाई किया करते थे, और कुछ ऐसे थे जो कि एग्रीकल्चर लेबर थे जिनको मजदूर बोला जाता था, ठीक है। सो डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ कल्टिवेबल लैंड, कुछ ऐसी कास्ट थी जो कि इन टास्क को करती थी, ठीक है। देखो जो लो कास्ट होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है पॉवर्टी से, मतलब देखो जो लो कास्ट के लोग हैं उनको एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है जो कि लो काम होता है, जिससे नीचे कमाई नहीं होती है। सो अपेरेंटली जो लो कास्ट के लोग हैं वो गरीब गरीब होते जाते हैं और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बढ़ते जाते हैं, जैसे दलित का सिस्टम्स है, ठीक है। और जो हमने यूज द लास्ट लास्ट चैप्टर लास्ट कुछ वीडियोज़ में पढ़ा था, कुछ ऐसे लेदर वर्कर्स थे, ठीक है, उनको अदर कास्ट और कास्ट दे दी गई थी, राइट। शूद्रास थे, उनका पर्टिकुलर काम था। सो ये लो कास्ट के लोग थे, ठीक है, और इनके पास, और ये पॉवर्टी स्ट्रिकन भी थे क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। सो अगर हम मुस्लिम्स में देखें तो मुस्लिम में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो हलकल खोरन है, यानी कि जो स्केवेंजर्स है, जो कि मरे हुए जानवरों से अपना लेदर वगैरह निकालते के चमड़ा वगैरह निकाल के काम करते थे, इनको विलेज की बाउंड्री से बाहर रखा जाता था, इनको विलेज की बाउंड्री के अंदर नहीं रखा जाता था। और बिहार में भी मल्लाह ज़्यादा, ठीक है, जो मल्लाह ज़्यादा थे उनको भी स्लेव से कंपेयर किया जाता था और उनको भी अलग रखा जाता था, ठीक है। सो बिकॉज इतने सारी कास्ट, तो अब जो सोसाइटल स्टेटस है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट उसमें हो गया, एक तो कास्ट के बेसिस पे जो है वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और दूसरा आ गया था पॉवर्टी के बेसिस पे, ठीक है, कौन रिच है और कौन अमीर है, ठीक है, सॉरी कौन रिच है और कौन पुअर है, ठीक है, उस बेसिस पे भी। सो काफ़ी ऐसे 17th सेंचुरी से अगर हम मारवाड़ के साइड हम देखें, सो जो राजपूत है उन्होंने पीजेंट्स को मेंशन करा हुआ है, ठीक है। जाट्स ने भी ऐसा, जाट में भी ऐसा डिस्कस किया गया है कि कुछ ऐसा सेम स्पेस ये लोग शेयर करते थे, ठीक है, मतलब कास्ट हायरार्की तो यहाँ पे चलती थी। जो गौरवास थे जिन्होंने लाइक वृंदावन के अराउंड कल्टीवेट करा, उन्होंने भी राजपूत मतलब काफ़ी ऐसे राजपूत स्टेट थे जिन्होंने 17th सेंचुरी के सामने साथ में कल्टीवेट करा। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम कास्ट सिस्टम तो चला, कुछ ऐसे कास्ट थे जैसे अहीर, गुज्जर, मलिस, ये देखो हायरार्कियल सिस्टम था, ठीक है, दिस इज लाइक अ पिरामिड। सो हायरार्कियल सिस्टम है, सो एक टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल एंड द लोएस्ट लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बस चार लेवल बना दिए, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो देखो ये वाली जो लेवल है दिस इज द रिचेस्ट, ठीक है, एंड दिस इज द पुअरेस्ट, राइट। सपोज दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास सी, दिस इज क्लास डी। सो इन पर्टिकुलर क्लासेस का अकॉर्डिंग टू देम काम डिवाइडेड है, ठीक है, कि इनका इनकी ये कास्ट है तो ये काम करेगा, इनका ये कास्ट है तो ये काम करेगा। सो कभी क्या होता है कि जो सी कास्ट के वो है उनका जो काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाता है और ये इनको प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो जब इनको प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो जाती है तो ये रिच हो जाते हैं और इनकी पोजीशन जो है बी की जगह पर आ जाती है और बी नीचे आ जाते हैं। सो ऐसे ऐसे करके जो अहीस, गुज्जर और मलीस हैं उन्होंने भी क्या किया, उनकी हायरार्की बढ़ गई क्योंकि अब उन्होंने एनिमल्स को रियरिंग शुरू करी और हॉर्टिकल्चर शुरू करा और ये भी इंक्रीज हो गए थे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो अब आते हैं पंचायत एंड हेडमैन। देखो जो विलेज की पंचायत थी वो किस किस की असेंबली थी, वो देखो जैसे पंचायत में कन्फ्यूज मत होना या फिर डरने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे नॉर्मल पंचायत आप जब अपने विलेजेस में देखते हैं सेम पंचायत जो है वो इधर भी होती है, ठीक है। देखो जो एल्डर्स होते हैं यानी कि जो बड़े लोग होते हैं विलेजेस के, या वो लोग जिनको काफ़ी मतलब जो कि इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं विलेजेस के, उनको एक हेरिडेटरी राइट दे दिया जाता है ओवर देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो देखो जहाँ पे मिक्स्ड क्लास विलेजेस होती है वहाँ पे जो पंचायत होती है वो भी हेटरोजीनियस बॉडी की होती है। पंचायत में बेसिकली कितने, 5 लोग हम कंसीडर करते हैं, राइट, जो सरपंच होते हैं।
सो देखिए यहाँ पे अगर हम बोले कि पंचायत में, अगर हम बोले कि देखो 5 लोग हैं हमारी पंचायत में, सो ये जब 5 लोग हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी को बिलोंग करते होंगे, बिकॉज एक मिक्स्ड कास्ट विलेज में हेटरोजीनियस बॉडी होती है, ताकि ताकि मतलब बायसनेस ना आए, या तो बिल्कुल लोएस्ट लोग अगर हम बिठा देंगे तो वो मतलब लोएस्ट कास्ट के ऊपर ज़्यादा बायस हो जाएंगे, और अगर बिल्कुल अपर कास्ट के लोग बिठा देंगे तो वो वहाँ के लिए अपेरेंटली बायस हो जाएंगे, इसीलिए जो है ये मिक्स्ड कास्ट की विलेजेस होती है तो हेटरोजोनियस बॉडी इधर पे बिठाई जाती है, ठीक है। सो ये जो पंचायत है ये वेरियस कास्ट और कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि विलेजेस में होते हैं, ठीक है। सो जब पंचायत के जो हेडमैन होते हैं उनको उनको बोला जाता है मंडल, ठीक है, मतलब पंचायत के जो हेडमैन होते हैं जो सारा काम संभालते हैं उनको बोला जाता है मंडल, ठीक है। सो जो हेडमैन है वो मतलब एक कंसेंसस हुआ जाता है, ठीक है, जो विलेज के एल्डर्स है और वो जाके मिलके जो एक हेडमैन को चूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये जो चॉइस है ये जमींदार भी रेटिफाई करते हैं, ठीक है। देखो जो हेडमैन है उनका मतलब वो विलेज के सबसे ज़्यादा बड़े और सबसे ज़्यादा समझदार पर्सन होते हैं, तो उनकी जो भी बातें हैं वो सारी बातें मानी जाती है, ठीक है। सो ऐसा भी होता है कि अगर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो हेडमैन है मिस्टर हेडमैन की मतलब बातें जो है अब ये फ़ायदा उठाने लग गए हैं मिस्टर हेडमैन, सो उस मिस्टर हेडमैन को उस पोजीशन से हटा भी दिया जा सकता है और सरपंच के पंचायत के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक और हमें पर्सन होते हैं जो कि पूरा अकाउंटेंट संभालते हैं विलेजेस के, जिनको बोला जाता है पटवारी, पटवारी ऑफ द पंचायत, ठीक है। सो देखो जो पंचायत है वो अपने फंड कहाँ से लाती है, देखो पंचायत है तो उसको विलेजेस का, पंचायत को विलेजेस का सारा काम संभालना पड़ता है, ठीक है। अब विलेजेस में कैनाल्स बनवाने हैं या फिर कोई फंक्शन आ रहा है तभी विलेजेस में जो भी रिचुअल है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई जब फेस्टिवल आता है वो भी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, या फिर विलेज में कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए फ़ंड तो चाहिए, तो फ़ंड कहाँ से आता है, ठीक है। देखो फंड के लिए जो नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, विलेजेस के, वो अपना कुछ फंड करते हैं, ठीक है। सो उसमें कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं जो कि विलेजेस को विजिट करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि कम्युनिटी वेलफेयर के लिए जो एक्सपेंसेस है वो आ सके, ठीक है। जैसे कि एक तो ये हो गया कि चलो जो लोग मांग रहे हैं, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि नेचुरल क्लामिटी आ जाए तब भी फंड्स की ज़रूरत है, राइट, लोगों को अगर हमें कुछ तब भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके अलावा कुछ भी ऐसा काम है कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है उसके लिए भी पैसे चाहिए, राइट, फंड तो चाहिए, पंचायत सारा काम करवा रही है किसके लिए, विलेजेस के लोगों के लिए, तो जो विलेज के लोग हैं वही जो है वो देते हैं पैसे भी, ठीक है। देखो एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है पंचायत का वो ये है कि जो कास्ट के मतलब कास्ट बाउंड्रीज है ये मतलब आगे पीछे ना हो, मतलब बोलने का मतलब कि जो कास्ट की बाउंड्रीज है वो लोग क्रॉस ना करें। मान लो जैसे कि जैसे यहाँ पे फोटो है, ये मैं एक एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, ठीक है। देखो मान लिया कि ये पर्टिकुलर लोग है, ये पर्टिकुलर लोग ए कास्ट को बिलोंग करते हैं और ये पर्टिकुलर ए कास्ट को बिलोंग करते हैं। सो ऐसा ना हो कि ये मतलब ये लो कास्ट के लोग हैं तो ये इन लोगों के साथ मतलब इंटर कास्ट मैरिजेस वगैरह ना हो, जो बाउंड्रीज है ये अपने बाउंड्रीज में रहे, ठीक है। ये लोग इनका मतलब मानना था कि अगर इंटर कास्ट तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, इन लोगों का मानना ये था कि मतलब कास्ट बाउंड्रीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो जो हेडमैन है उनका काम ये भी रहता था कि वो मतलब विलेज कम्युनिटी में कुछ ऐसे मेंबर्स कंडक्ट करे जिनका मेन काम यही हो कि वो देखे कि कास्ट कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस ना आए, कास्ट सिस्टम सभी फॉलो करते रहे, ठीक है। सो देखो एडिशन टू द विलेज पंचायत, देखो विलेज पंचायत तो होती ही होती थी, और यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नहीं बताया आपको कि देखो जब कोई ऐसा होता था कि इंटर कास्ट कोई मैरिज कर देता है तो फिर उनको ना उस कास्ट से अलग कर दिया जाता है और विलेजेस से भी बाहर निकाल दिया जाता है, उनको मतलब उसके अंदर नहीं रखा जाता था। तो उनका मेन मोटिव ये रहता था कि कास्ट सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा हार्म ना हो, बिल्कुल भी मतलब ऐसा ना हो कि कोई कुछ इंटर कास्ट तो कहीं कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो उनको विलेजेस से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको सारे राइट्स जो है उनके उनसे छीन लिए जाते हैं, उनके फादर की प्रॉपर्टी वगैरह भी उनके उसके बाद नहीं होगी अगर कोई लोग ऐसा करता है कुछ तो, ठीक है। सो देखो सो विलेज में एक तो पंचायत होगी, बट विलेज पंचायत के बाद एक छोटी छोटी जो है कास्ट या फिर जाति पंचायत भी होती थी। सो इन जाति पंचायत का क्या काम होता था, इन जाति पंचायत का ये काम होता था कि ये देखे
कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोगों के बीच में कहीं डिस्प्यूट्स तो नहीं हो रहे, लड़ाई तो नहीं हो रही है, राइट? इनका मेन मोटिव यही होता था। जैसे अगर मैरिजेस वगैरह परफॉर्म हो रही हैं तो अब पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के अंडर अंडर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने अभी पढ़ा, ठीक है? सो अगर ये होता है तो इसको क्रिमिनल जस्टिस मतलब अब दिया जाएगा, ठीक है? सो अब यहाँ पे इनका मेन काम ये भी होता था कि जो लो कास्ट के लोग, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो लो कास्ट के लोग को कहीं डोमिनेट ना करे या फिर उनको मतलब वो ना करे, ठीक है? सो यहाँ पे जो लो कास्ट के लोग थे वो बेसिकली आते थे ये बताने कि देखो, जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, एक तो बहुत ही चालू होते थे, सो ये लो कास्ट के लोगों से काम निकलवा देते थे और उनको बाद में पैसे नहीं देते थे। सो जाति पंचायत बनने के बाद ये सारी चीज़ें कम हो गई, क्योंकि अब जो है ये लोग जाके बात करने लग गए थे कि हाँ देखो, ये जो सुपीरियर कास्ट के लोग हैं ये हमको मतलब अनपेड लेबर हमसे करवा रहे हैं, मतलब एक तो हम लेबर कर रहे हैं, ऊपर से ये हमें पैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है ऑफ कोर्स इनके लिए फाइट करते थे, इनके लिए बात किया करते थे और ये चीज़ें जो है हटा दी जाती थी, ठीक है? सो हर एक कास्ट ग्रुप का एक, जैसे हमने भी पढ़ा कि मतलब इनके कुछ एलाइड ग्रुप्स हुआ करते थे और इनकी ना कुछ बाउंड्रीज हुआ करती थी कि हाँ ये चीज़ कर सकते हैं और ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो ये काफ़ी कम्युनिटी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करती थी अकॉर्डिंग टू देयर स्टाफ्स, राइट? सो अब ऐसा भी था कि कहीं कहीं लो कास्ट के लोगों से एक्सेसिव टैक्स डिमांड किया जा रहा था, ठीक है? स्पेशली ड्राउट्स के टाइम पे या और डिजास्टर के टाइम पे। बट अब ये देखो ना, माना कि चलो विलेजेस में पैसे नहीं है बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर चीज़ कि फ्लड आ गया है या फिर कोई नेचुरल कलामिटी आ गई, तो यार उस पर्सन के पास भी तो पैसे नहीं होंगे, राइट? सो वो चीज़ ये नहीं सोचते थे। हाँ, तो भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होती थी। सो लोअर कास्ट की पीजेंस को मतलब जो लोअर कास्ट की प्रेजेंस है वो उनकी डिसीजन मेकिंग भी होने लग पड़ती थी, ठीक है? सो जो भी कन्फ्लिक्ट्स है वो सॉल्व करवाने लग गए थे उस टाइम पे, ठीक है? अब देखो, अब जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उस पे कंपटीशन भी होने लग गया था कि ये जो रिसोर्सेज है ये लो कास्ट की होनी चाहिए, मतलब अपर कास्ट के लोगों के पास तो सब कुछ होता है। ऐसे ऐसे भी कन्फ्लिक्ट जो है ये लोग करने लग गए थे, ठीक है? अब विलेज आर्टिसंस के बारे में, मतलब अब आर्टिसंस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि आर्टिस्ट हुआ करते थे, ठीक है? सो देखो, एक बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है किसी भी विलेज का, वो होता है द रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। देखो, काफ़ी ऐसे मराठी डॉक्यूमेंट्स है और विलेज सर्वेसेज है जिसमें ये बताते हैं कि ब्रिटिश रूल्स जब एक्सिस्टेंस में आया उस टाइम पे जो आर्टिसंस है उनको भी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आई और बड़ी भी कुछ, हम बोल सकते हैं कि नंबर बढ़ गए थे आर्टिसंस के। देखो मतलब उस टाइम पे टोटल विलेज है, ठीक है? विलेज के मतलब मान लो विलेज में 100 लोग हैं, सो 100 लोग में से 25 जो लोग हैं वो तो आर्टिसंस ही हुआ करते थे, वो आर्टिस्ट ही हुआ करते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, ठीक है? जैसे देखो, कुछ ऐसे आर्टिसंस थे और जो पीजेंट्स थे वो मतलब, जैसे कुछ ऐसे पीजेंट्स थे जो कि जब उनका टाइम होता था मतलब प्रोडक्शन का, तब तो वो ये क्रॉपिंग वगैरह एग्रीकल्चर करते थे और बाकी के टाइम जो है ये कुछ अपना मतलब ये इसका आर्टिस्ट मतलब इसका आर्ट का कुछ काम कर लिया करते थे, जैसे प्रोडक्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन कर लिया, जैसे कि डाइंग, फिर टेक्सटाइल्स में प्रिंट वगैरह कर दिया, फिर पॉटरी बना दी, जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो ख़राब हो गई है उनको रिपेयर कर दिया, ये सारी चीज़ें भी ये लोग करते थे, ठीक है? सो ये जो आर्टिसंस थी इसमें पोटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ, ये सारी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, बदले में इनको जो है कंपनसेशन दिया जाता था डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है? कुछ ऐसे थे जिनको उनको पैसे दे देते थे, कुछ ऐसे थे कि जो इनको जो भी चीज़ ये हार्वेस्ट करते हैं वो दे देते थे, मतलब अलग अलग लोग इनको अलग अलग चीज़ें देते थे, ठीक है? अब क्या इनको क्या देना है एज अ रेवेन्यू, ऐसे मतलब पेमेंट इनको क्या देनी है, ये भी पंचायत कभी कभी डिसाइड किया करती थी, ठीक है? कई कई ऐसा भी था जहाँ पे इनको लैंड भी दी जाती थी, ठीक है? कैसे, तो इनको क्रॉप दे दी जाती थी, कहीं कहीं इनको जब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते थे तो इनको लैंड्स दे दी जाती थी, और ये लैंड आगे जाके इनके जो हेरिडेटरी चलती थी, मतलब इनके जो सन्स है वो उनको ये लैंड दे दी जाती थी, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, 18th सेंचुरी में रिकॉर्ड्स है जहाँ पे जमींदार्स थे बंगाल के, जिनको मतलब ब्लैक स्मिथ
कुछ ऐसे जमींदार थे जिन्होंने ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर और गोल्ड स्मिथ को भी पे किया था अकॉर्डिंग टू देयर डेली अलाउंस और डाइट मनी, ठीक है। बाद में इसको जो है जजमानी सिस्टम बोला जाने लग गया था, ठीक है। 16वीं से 17वीं सेंचुरी में तो उस टाइम पे ये टर्म इतने को ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक, डैट इज़ अ लिटिल रिपब्लिक। देखो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो जब वो 19वीं सेंचुरी में आए तो उन्होंने विलेजेस को देखा और उन्होंने इसको बोला कि ये तो एक लिटिल रिपब्लिक है। सो लिटिल रिपब्लिक ऐसा बोला, बट इसका मतलब ये नहीं है कि विलेजेस में हर चीज़ इक्वल थी, ठीक है। ये तो हमने अभी भी पढ़ा, जैसे मतलब जब हम रिपब्लिक बोलते हैं तो एक मतलब इक्वल सिस्टम का हमें एक साइन आता है कि हाँ हर एक चीज़ इक्वल होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, इक्वल नहीं थी चीज़ें। जैसे वीकर सेक्शन के पास कम पावर थी और ऑफ कोर्स जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है उनके पास ज़्यादा पावर हुआ करती थी, ठीक है। फिर अब जो है ट्रेड भी बढ़ने लग गया था, ठीक है, विलेजेस और टाउन्स में। सो रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाने लग गया था और जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर कैश ही कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। सो व्हाट वाज रेवेन्यू? रेवेन्यू वाज कैश, अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। सो इस टाइम पे वुमेन्स का भी एक पर्टिकुलर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा, कैसा रहा वो भी अब हम पढ़ लेते हैं। देखो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे मिस्टर जो हमारे मिस्टर पीजन थे, सो मिस्टर पीजन ने अपनी लैंड में जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करने के लिए अपने बेटे और अपनी पत्नी को भी लैंड में लगाया था। सो वैसे ही जो ताकि अच्छा परफॉर्मेंस हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, तो जो वुमेन्स है और जो मेन्स है वो दोनों ही अपना अच्छा रोल, स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे थे। जो वुमेन है वो भी बीज बो रही थी, वीडिंग कर रही थी, हार्वेस्ट कर रही थी और थ्रेशिंग भी कर रही थी, ठीक है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक मतलब कैरेक्टराइज किया गया है मिडिल इंडियन कल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो लेबर और रिसोर्सेज है वो एंटायर हाउस होल्ड में होते थे। बट आफ्टर ऑल देखो जो वुमेन है और जो मैन है उधर कुछ कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट थे जहाँ पे सब कुछ इक्वल नहीं था, ठीक है। बिकॉज वुमेन के जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है वो अलग होते हैं, ठीक है। जैसे जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती है उनको मतलब जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे प्लो हो गया उसको, और जो पोर्टल व्हील्स है उनको टच करने से लिए मना किया गया था, और साथ में कुछ ऐसे पौधे थे जिनको भी उनको पकड़ने के लिए, हाथ लगाने के लिए मना किया गया था, जैसे पान के पत्ते हो गए, ये सारी चीज़ों में मना कर दिया गया था कि इनको ये हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो जितना कमर्शलाइज्ड हुआ प्रोडक्ट का, ठीक है, उस टाइम पे वुमेन लेबर की डिमांड भी बढ़ने लगी क्योंकि वुमेन लेबर जो है चीज़ें प्रोड्यूस कर लेती थी, ठीक है, और इजीली कर लेती थी काफ़ी कम टाइम में, ठीक है। सो जो पीजेंट्स है और जो आर्टिसन वुमेन्स है वो फील्ड के साथ साथ और जगह भी काम कर रही थी, ठीक है। सो जो वुमेन है उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बोला गया था एग्रेरियन सोसाइटी में क्योंकि वो चाइल्ड बियर कर सकती हैं। सो यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट समझो, यहाँ पे लोगों का ये मानना था कि अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, सो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं सो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, हमें चाहिए लार्ज लेबर, तो हमें लार्ज लेबर चाहिए तो कौन लाएगा? वो औरतें ही तो लाएगी, औरत ही तो बच्चे पैदा करेगी, ठीक है, और जितने ज़्यादा घर पे फैमिली मेम्बर होंगे उतने ज़्यादा जो है वो लोग मतलब उतने ईजीली एग्रीकल्चर हो जाया करेगा, ठीक है। सो अब वहाँ पे वुमेंस को मतलब मोर्टैलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया वुमेन का क्योंकि अब उन्हें मॉल न्यूट्रिशन होने लग गया, ठीक है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हो गई जिसकी वजह से वुमेंस की डेथ होने लग गई, मतलब चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग ही बर्थ उनकी डेथ हो जाया करती थी। सो ऐसे टाइम पर क्या होने लग गया कि औरतों की कमी होने लग गई, ठीक है, वुमेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी सोसाइटी में जो है वो। तो अब जब ऐसा हुआ तो अब देखो वुमेंस की तो ज़रूरत है ही, कुछ भी हो जाए वुमेंस की तो ज़रूरत है ही है, ठीक है, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं होगा वुमेन के बिना। सो उस टाइम पे जब वुमेन की कमी पड़ गई उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे जो डाउरी सिस्टम होता था वो बिल्कुल ही ज़्यादा अपोजिट हो गया कि अब जो जो मेंस थे वो वुमेंस को बोल रहे थे कि अब बस मतलब तुम हमसे शादी कर लो, उल्टे में हम तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे, ठीक है, मतलब अब ब्राइड्स की फैमिली को वो लोग डाउरी दे रहे थे, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब जो डिवोर्स्ड वुमेन है और जो जो कि विडो वुमेन है वो भी अब रीमैरिज कर सक रही थी, ठीक है, उनको अलाउ कर दिया गया था। सो अब वुमेन का जो इम्पोर्टेंस है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव फोर्स पे अट्रैक्टेड था कि वुमेन जो है वो ज़्यादा बर्थ देगी तो ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, और ये माना था कि वुमेंस का जो है मतलब एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है, मतलब वुमेंस के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है मेल मेंबर्स का फैमिली में और कम्युनिटी में, ठीक है,
बट उस टाइम पे ये चीज़ें थोड़ी हमें कम देखने को लगती थी। सो वेस्टर्न इंडिया जैसे कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स से देखिए हमें ये पता चल रहा है कि वो मेंस विलेज पंचायत में जाया करती थी रिड्रेस और जस्टिस के लिए, कि अगर उनके हस्बैंड जो है वो उनको चीट करते थे तो मतलब तो भी वो जाया करती थी। बट उस टाइम पे इतना कुछ उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता था। अगर वुमेन ये लेके ये बोल के जाए कि वो हमें मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, मेरे बच्चों को अच्छे से नहीं पाल रहा और उनके घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चल रही, सो उस टाइम पे जो है ये ज़्यादा डिस्कस किया जाती थी ये सारी चीज़ें। सो अब मेल को ही मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पनिश किया जाता था, वुमेन्स को भी पनिश किया जाता था अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती है अपने किसी और के साथ, ठीक है, अपने पति को अगर वो चीट करती है तो उनको भी हमेशा हमेशा के लिए विलेज से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, सो वुमेन का जो है अब इस टाइम पे राइट था कि वो प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकती, विच वॉज प्रेटी गुड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेस्टर्न ट्राइब। अब विलेजेस के बाद, विलेजेस के बियॉन्ड क्या चीज़ें थी? देखो, जो इंटेंसली कल्टिवेटेड प्रोविंसेस थी नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, उसके बाद आते हैं फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट यानी कि जंगल और स्क्रबलैंड यानी कि खरबबंदी। ठीक है, सो अगर हम ऑल इंडिया एवरेज देखें कि फॉरेस्ट का कितना कवरेज था ऑल इंडिया एवरेज में, सो इट वाज लाइक 40% ऑफ द लैंड वो फॉरेस्ट ही थी। देखो आज के टाइम पे एक वर्ड है जंगली, सो आज आप वर्ड जंगली किसके लिए यूज़ करते हो? आप उस लोगों के लिए यूज़ करते हो जो कि अच्छे से सिविलाइज नहीं है, जो अच्छे से रहता नहीं है, आप उसको जंगली बोलते हो, राइट? बट पहले उस टाइम पे वर्ड जंगली उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो कि जंगल में रहते थे। ठीक है, टर्म वॉज जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको जंगली बोला जाता था। ठीक है, बट आज ये जो है डिफरेंट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। उस टाइम पे वो उस गृहस्थी के वो शो करने के लिए था जो कि फॉरेस्ट में रहा करते थे। ठीक है, सो ये जो एक्टिविटीज थी ये भी मतलब लार्जली सीजनली हुआ करती थी। ठीक है, मॉनसून मंथ पे कल्टीवेशन हुआ करता था, फिर ऑटम के टाइम पे जो है वो हंटिंग के लिए चले जाते थे, और ऐसे ही जो है वो पूरे साल में अपना पेट भरने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काम डेवलप कल्टी मतलब शिफ्टिंग करते रहते थे। ठीक है, सो इस टाइम पे ये हंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस हो गया था। ठीक, देखो फॉर अ स्टेट, जो फॉरेस्ट है वो एक बहुत ही सुवेसिव प्लेस होती है, प्लेस फॉर ट्रबल मेकर्स, टू ऑफ रेफ्यूज। देखो बाबर ने एक बार ऐसा बोला था कि जंगल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिफेंस का रास्ता है, मतलब जो भी लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स नहीं देना चाहते और जो भी बहुत रिबेल करते हैं हम लोगों को, वो कहाँ जाते हैं? वो इन्हीं में जाके तो छुपते हैं, का जंगल में जाके। ठीक है, इन रोड्स टू फॉरेस्ट। देखो अब जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो फॉरेस्ट में एंटर करती थी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेट है उनको एलिफेंट चाहिए होते थे आर्मी के लिए। ठीक है, तो वो उनको बोलते थे जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि जंगली लोग हुआ करते थे, उनको बोलते थे कि तुम एलिफेंट्स इकट्ठे करो और हम लोगों को दो। ठीक है, सो उस टाइम पे हंटिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और हंटिंग एक एक वो बनते हैं ना मतलब एक ओवरवेलमिंग कंसर्न हो गया था मतलब रिच और पुअर के कंसेंट में। ओके, देखो उस टाइम पे काफ़ी कमर्शियल एग्रीकल्चर का भी स्प्रेड हो गया था, काफ़ी बढ़ रही थी कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर बना अब जो कि मतलब फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उनके लाइफ के लिए। सो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट थे जैसे हनी, बीज वैक्स, गम, लैक, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। ठीक है, सो इन चीज़ों का भी मतलब उनको फॉरेस्ट से लाके जो है ओवरसीज इन लोगों का ट्रेड शुरू हुआ इन चीज़ों का। सॉरी, जो एलिफेंट्स हैं उनको भी कैप्चर करने लग गए, उनको बेचा जाने लग गया। ठीक है, बार्टर सिस्टम भी चलने लग गया था। कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जैसे कि लोहानीज इन पंजाब जो कि ओवरलैंड ट्रेड किया करते थे, मतलब वो हमारी सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी जो है वो ट्रेड किया करते थे, जैसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक जो है वो ट्रेड किया करते थे। ठीक है, और पंजाब ने अपना एक टाउन कंट्री ट्रेड भी अपना खुद ने बना दिया था। ठीक है, जो सोशल फैक्टर्स थे उसकी वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। जैसे विलेजेस के जो बिग मैन थे यानी कि जो चीफ्टन जो कि चीफ्टन्स होते थे वो भी मतलब अब ट्राइब्स जो थे उनके भी अब अपने चीफ्टन्स होते थे। ठीक है, मतलब हर एक सोसाइटी का हर एक कल्चर का आप अपना ये लोग उन्होंने वो बना के रखे थे, चीफ्स बना के रखे थे। ठीक है, जो ट्राइबल चीफ थे वो जमींदार्स भी बन जाते थे। ठीक है, और कुछ जाके कहीं जाके किंग्स भी बन जाया करते थे। ठीक है, वो लोगों को रिक्रूट करते थे ताकि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए ताकि वो मिलिट्री सर्विसेज में प्रोवाइड उनको किया जा सके।
जो ट्राइब जो उसके बाद देखो एलिफेंट को भी काफी ज्यादा एलिफेंट को कैप्चर करने लग गए और उनको रॉयल मोनोपोली बना दिया गया बाय होम किंग्स। सब और ज्यादा कल्चर इन्फ्लुएंसर हमें देखने को मिला था इनटू फॉरेस्ट जोन्स, बिकॉज अब जो है सूफीज सेंट्स जो है वो भी आने लग गए थे, जिनके बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था आई गेस। ठीक है, उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करा। ठीक है, और अब जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनको भी इस्लाम धर्म के बारे में पता चला और उन्होंने इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करना शुरू करा। ठीक है, अमन द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, हाँ चैप्टर 6 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अब आते हैं जमींदास। देखो जमींदास वो लोग थे जो कि लैंडेड प्रॉपर्टीयर्स होते थे। ठीक है, जिनके पास कुछ सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हुआ करती थी, वो भी बाय बर्थ, या तो उनका स्पिरिचुअल स्टेटस बहुत ज़्यादा हुआ करता था रूरल सोसाइटी में। ठीक है, सो जो जमींदार थे उनके पास एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड हुआ करती थी, जिनको वो मिल्कियात बोलते थे, जिसका बेसिकली मतलब होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जो मिल्कियात लैंड है वो खुद तो उसको कल्टीवेट नहीं करते थे, जबकि वो दूसरे लैंड दूसरे लेबर्स जो है वो इनके जो है चीज़ें मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस किया करते थे, या तो फिर ये अपनी ज़मीन को बेच देते थे, या तो मतलब उधार में दे दिया करते थे। ठीक है, कि हाँ तुम इस लैंड में काम कर लो, फिर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग इतना इतना मेरा इतना इतना तुम्हारा। ठीक है, सो जमींदार का मतलब वो रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यानी कि स्टेट जो भी रूलर्स है उनके बिहाफ पे जो ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, कौन जमींदार। सो जमींदार के बारे में भी हम ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, राइट। सो काफ़ी जमींदार थे जो कोई जिनकी मतलब अपनी अपनी फोर्ट थी, जमींदार जो ज़्यादा पावर जिनको मिल जाती थी ना वो अपनी आर्मी बना दिया करते थे, अपने फोर्ट्स वगैरह वो बना दिया करते थे। ठीक है, जिसमें उनकी मतलब इन्फेंट्री कैवेलरी ये सारे भी आ जाते थे। ठीक है, कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो जमींदार है उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो क्या है, मतलब वो हमें पता चलता है। ठीक है, सो जमींदार ये भी जो है वो एक्सपेंड हो रही थी धीरे धीरे। ठीक है, बाय क्योंकि अब जो मिलिट्री के जो चीफ है वो जमींदार बनने लग गए थे। ठीक है, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस था वैसे भी जमींदारी कंसोलिडेशन का। ठीक है, जो भी हमें सोर्सेज में ऐसे देखने को मिलता है, कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कि जिससे हमें पता चलता है कि जो लोअर कास्ट है वो जमींदार और जमींदारी के रैंक में नहीं जा सकते थे। ठीक है, जो ऊंची ऊंची कास्ट के तो लोग जैसे राजपूत जाट ये सारे लोग जो ये जाके जमींदार बन सकते थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो पीजेंट पास्टोरलिस्ट है वो पास्टोरलिस्ट थे वो भी बन जाते थे। ठीक है, सो इधर पर हमें और भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जमींदारी इज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजेशन। ठीक है, मतलब और पैसा कमाने के लिए जो है बाइंग और सेलिंग होने लग गया। एडिशंस में जो जमींदार थे उन्होंने मतलब उनकी जो मिलकियात लैंड थी, यानी कि जो अपनी लैंड थी उनसे जो भी रेवेन्यू आता था, मतलब जो भी आउटपुट आता था वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर जो हाट बाजार थे वो उन्होंने अपने खुद एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत इनके पास पैसा आने लग गया था। ओके, ऑल्दो देर कैन बी अ लिटिल डाउट कि जो जमींदार है वो एक एक्सप्लोइटिव क्लासेस हो सकती है, बट काफ़ी सारी जगहों पे ये देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी जगह है, दो ऐसे एस्पेक्ट है जिससे हमें पता चलता है कि नहीं, कहीं कहीं ये जमींदार गलत थे, बहुत ही ज़्यादा क्रूल थे, बट कहीं कहीं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जैसे जो भक्ति सैंस है, पहले ये भक्ति सैंस जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी पे मतलब के खिलाफ हो गए, उन्होंने मतलब इक्वालिटी के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, जो कि जमींदार के लिए नहीं बट पीजेंट्री के लिए वो लोग आए। ठीक है, सेकेंडली काफ़ी ऐसे एग्रेरियन अपराइजिंग हमें देखने को मिला। ठीक है, नॉर्थ इंडिया पे ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हम पढ़ लेते हैं। देखो लैंड से जो रेवेन्यू आता है वो मतलब बेसिकली जो है वो मतलब मुगल एम्पायर के अंडर का आता है। सो इसमें ना हमें कुछ ऑफिस ऐसे देखने को मिलते हैं, दफ्तर, और दफ्तर में जो आदमी बैठता है उसको बोलते हैं दीवान। सो ये जो दीवान है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा फिस्कल सिस्टम को सुपरवाइज करने के लिए एम्पायर का। ठीक है, जो मुगल स्टेट है उन्होंने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालने की मतलब वो कोशिश करते रहते थे। ठीक है, ताकि वो अपने एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सके। ठीक है, मतलब एक फिक्स अगर उन्हें पता चल जाए कि हाँ हम अपने लैंड का कितना परसेंट जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो जो लैंड को वो नहीं करते उसको भी वो जाके करेंगे। ठीक है, सो टैक्स का भी जो है वो भी फिक्स टैक्स वो लगाया करते थे। ठीक है, सो लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट में हमें दो स्टेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला तो एक असेसमेंट,
और दूसरा जो एक्चुअल कलेक्शन, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर विलेज है, ठीक है, और आप एक ज़मींदार हो या मैं एक ज़मींदार हूँ, मैंने वो विलेज को पूरा ऐसे अच्छे से स्टडी करा, अच्छे से ऑब्जर्व करा, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ इस विलेज से ना मैं लगभग 200 रुपीज़ तक का जो रेवेन्यू है वो ला सकती हूँ। ये क्या है, ये जो लैंड है जो मैंने सोचा, माई असेसमेंट डैट इज़ जमा, इसको बोलते हैं जमा, ठीक है। और जब मैंने उसको कलेक्ट करने में गई तो मेरे को देखा कि यार मैंने तो सिर्फ 180 रुपीज़ ही कलेक्ट कर पाई मैं, और दिस इज़ द एक्चुअल अमाउंट जिसको मैं बोलूँगी हासिल, ठीक है। अब जो है रेवेन्यू वगैरह जब फिक्स कर दिए गए तो अब स्टेट को उसका मतलब अपने क्लेम्स भी उन्होंने मैक्सिमाइज़ कर दिए कि हाँ इतना रेवेन्यू आ रहा है तो इतनी इतना ही जो चीज़ है वो हम लोग क्लेम कर सकेंगे, ठीक है। अब जो कल्टीवेटर और जो कल्टीवेबल लैंड है उनको भी मेज़र किया गया हर एक प्रोविंस में कि कितनी लैंड जो है वो कर दी गई है और कितनी को और करना है कल्टीवेट, ठीक है। फिर अकबर रूल के अंडर भी ये सारे एग्रीगेट्स को काफ़ी टाइम कंपाइल किया गया था। फिर 1665 में जो औरंगज़ेब आए तो उन्होंने भी इन ऑफिशियल ये जो रेवेन्यू ऑफिशियल है इनको इनको मतलब इंस्ट्रक्ट करा और बोला कि जो एनुअल रिकॉर्ड्स है इनको प्रिपेयर करें ताकि हमें पता चले कि हर एक विलेज में कितने कल्टीवेटर है और कितना जो है हमारे पास रेवेन्यू आना चाहिए, ठीक है। फिर अब जो फॉरेस्ट है वो भी सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही लार्ज एरिया कवर करता था जो कि अनमेजर्ड ही रह गया, जिसको मेजर नहीं किया गया, कभी भी नहीं किया गया, ठीक है। अब आता है द फ्लो ऑफ सिल्वर, सिल्वर का कैसे फ्लो बढ़ा। देखो जो मुगल एम्पायर है वो सबसे ज़्यादा लार्ज टेरिटोरियल एम्पायर था एशिया के अकॉर्डिंग, मतलब पूरे एशिया में, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। 16 और 17 सेंचुरी में जैसे इंडिया में मुगल एम्पायर चल रहा था, वैसे ही चाइना में मिंग, ईरान में सफावीद, टर्की में ओटोमन एम्पायर का राज चल रहा था। इस टाइम पे जब ये मतलब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आ गई उस टाइम पे ट्रेड और ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। ओवरलैंड ट्रेड किया गया चाइना से मेडिटेरियन सी में, ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया। जब इतना ग्रेटर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी थी और ये कनेक्ट हो गई तब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि ट्रेड होने लगा, ठीक है। और जब ट्रेड इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया तब हमारे पास आया एक बहुत ही प्रीशियस मेटल जिसका नाम है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर की मतलब देखो इंडिया में इतना अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे सिल्वर के, और जब सिल्वर आए बाहर से डैट वॉज प्रेटी गुड फॉर इंडिया, ठीक है। 16 और 17 सेंचुरी में ये एक रिमार्केबल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही मेटल करेंसी की, पर्टिकुलरली सिल्वर, ठीक है। सिल्वर की काफ़ी सारी करेंसी उस टाइम सिल्वर के रुपया बनने शुरू हो गए थे, कब, इंडिया में, ठीक है। एक टेस्टिमोनी है एक इटालियन ट्रेवलर की जिनका नाम था गियोवनी करेरी, उन्होंने भी मतलब 1690s के टाइम पे उन्होंने एक जियोग्राफिकल अकाउंट हमें दिया और उन्होंने बताया कैसे सिल्वर का जो ट्रेड है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था 17th सेंचुरी में, और ज़्यादातर जो मतलब ट्रांजेक्शन है वो कैश और कमोडिटी पे ही हुआ करती थी, ठीक है। अब एनी अकबरी ऑफ अबू फजल अलमी, ठीक है। देखो जो एन है, एनी अकबरी का जो एन है उसमें हम लार्जर प्रोजेक्ट देखते हैं, मतलब अकबर जो राजा का लेवल है उसके लेवल में हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। देखो ये जो एनी अकबरी है ना ये एक पार्ट है, किसका पार्ट है, ये अकबरनामा का पार्ट है, ठीक है। अकबरनामा बेसिकली एक बायोग्राफी है अकबर की जिसमें अकबर के बारे में सब कुछ बताया गया है, ठीक है। इसके मतलब तीन तीन ऐसी बुक्स है और एनी अकबरी जो तीसरी बुक है। पहली जो दो बुकें हैं मतलब बुक्स हैं उसमें हिस्टोरिकल नरेटिव दिखाया जाता है किसका, अकबर का, ठीक है, अकबर के बारे में उसमें बताया गया है। और जो थर्ड बुक है इसमें थोड़ा थोड़ा हमें मतलब इसके लैंड के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर हम सारी जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इन एम्पायरल एक्सरसाइज से इनको अगर हम कलेक्ट करें और इनको कंपाइल करें तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है कैसे जो एम्परर है वो इतने ज़्यादा मतलब डाइवर्स कस्टम को और डाइवर्स प्रैक्टिस को फॉलो किया करते थे, ठीक है, अक्रॉस इज एक्सटेंसिव टेरिटरीज, ठीक है। ये जो एनी अकबरी है इसके खुद के पांच बुक हैं, ठीक है, पांच बुक जो है ड्राफ्ट है। फर्स्ट बुक इज़ मंजिल आबादी, जहाँ पे मतलब एम्पायरल हाउस होल्ड और उनके मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किया जाता है। सेकंड इज सिपा आबादी, जहाँ पे मिलिट्री के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये जो बुक्स है इसमें नोटिसेस है, शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस हैं, ठीक है, मनसबदार के, और लर्न मैन पोइट्स और आर्टिस्ट के बारे में, ठीक है। थर्ड बुक इज मुल्क अब्दी, जिसमें मतलब मुल्क के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है, ठीक है।
सो यहाँ पर ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमें एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी देखने की मिलती है, जहाँ पे जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल, इकोनॉमिक प्रोफाइल दी गई है सारे सूबाज की, और जो फिजिकल डिवीजन है, ठीक है, मतलब और टोटल मेजर्ड एरिया इन सब चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद जो सूबा लेवल है वहाँ पे जो एनी अकबरी है, ठीक है, वहाँ पे एक डिटेल पिक्चर हमें देती है सरकार की, सरकार बिलो द सूबा, ठीक है। सो इस पे भी कुछ टेबल है, एक 8 कॉलम्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें महल, किला, अर्जी, ठीक है, महल क्या होते हैं यानी कि, और किला फोर्ट्स, अर्जी यानी कि मेजर्ड एरिया, फिर नकबी यानी कि रेवेन्यू, फिर सुरघल यानी कि ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू एंड चैरिटी, फिर जमींदार्स, ठीक है, और जो कॉलम 7 नंबर 7 और 8 है उस दर कास्ट और जमींदार के बारे में डिस्कस किया जाता है। उसमें ट्रोप्स के बारे में डिस्कस किया गया जाता है, जो कि पैदल हो गए, फिर हॉर्समैन हो गए और एलिफेंट हो गए, ठीक है। तो जो मुल्क आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, और उसमें पूरे नॉर्दर्न इंडिया की जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है वो डिस्कस करी गई है, ठीक है। जो फोर्थ और फिफ्थ बुक है जो कि दफ्तर है, जिसमें रिलीजियस, लिटरली और जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो ज़्यादा डिस्कस किया गया गया है, ठीक है। और उसमें अकबर की जो ऑस्पेशियस सेइंग है उसको भी ऐड किया गया है, ठीक है। हिस्टोरियंस ने एनी अकबरी को अच्छे से पढ़ा और उसके प्रॉब्लम्स भी उन्होंने निकाले, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि जो टोटलिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा गलती की गई है, और कुछ ऐसी मतलब सिंपल सी अरिथमेटिक चीज़ें हैं जो कि गलत है, मतलब बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि गलत हैं। इनमें कुछ खास बड़ी मतलब दिक्कतें नहीं हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब कैलकुलेशन है जो कि गलत है, ठीक है। फर्दर फिजिकल डाटा जो भी हमें मिलता है सूबा से वो उसकी रिचनेस को दिखाता है कि कितनी अमीरी थी वहाँ पे। फिर एक पैरामीटर हमें मिलता है कि प्राइजेस और वेजेस का क्या वो पैरामीटर था कि इतनी की प्राइजेस होती थी, इतनी की वेजेस जात की थी, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो कि ये रूलर वगैरह लिखवाते हैं, इसमें इसमें रूलर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, इसमें जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, ठीक है। सो इधर भी हमें ये देखने को मिलता है कि आगरा की जो इम्पायरल सिटी है वो ज़्यादा डिस्कस किया गया है उसके बारे में, और बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री की जो छोटी छोटी जगहें हैं उनके बारे में इतना कुछ खास ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे पास सोर्सेज है उधर ना, हमें कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं सोसाइटी की नॉर्मल पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए, ठीक है। क्यों हम लैक करते हैं? क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन अपने बारे में लिखवाती ही नहीं थी, तो हमारे पास सोर्सेज कम हैं, ठीक है। और जबकि अगर हम इनके बारे में बात करें, जैसे कि जो राजा महाराजा है, ये तो अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखवाते ही रहते थे, तो इसलिए इनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, ठीक है। सो यस, विद दिस हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हमारी सेकेंड बुक भी ख़त्म होती है। सो अब पूरी हिस्ट्री ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक सिंगल लास्ट बुक रहती है, जिसमें लगभग 4 चैप्टर हो रहे हैं। सो यस, डैट वॉज इट। सो आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच।